हमारे अमिताभ बच्चन जी के पापा जी थे, अमिताभ बच्चन जी को मैं हरी हमारा अमिताभ बच्चन क्यों बोलता हूँ वो भी शायद आप जानते हो। यस, एक बार खुद मैं उनसे मिल चुका। वो हमारे आरसम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे आरसम के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, पता है ना आप लोगों को। वो दिल से प्यार करते हैं आरसम से। तो कुल मिला के उन्होंने एक कविता लिखी। कविता की पहली लाइन है, लहरों से डरोगे तो नौका पार नहीं होगी। लहरों का मतलब होता है उतार चढ़ाव, हेलो, अप्स एंड डाउन्स। आपकी हर आदमी की लाइफ में अप डाउन है, है नहीं? यस, अप्स एंड डाउन्स है तो पार्ट ऑफ योर लाइफ यार, क्यों घबराते हो? आप किसान हो वहां भी अप डाउन है, आप नौकरी करते हो वहां भी अप डाउन है, तो इस बिजनेस में अगर अप डाउन आ गए तो क्यों घबराते हो? तो अप्स एंड डाउन्स है तो पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो कवि कहता है कि लहरों से डर गए तो नौका पार नहीं होगी, और मेहनत करते रहोगे तो कभी भी हार नहीं होगी। एक नन्ही चीटी का एग्जांपल देता है। जो नन्ही चीटी अपने से 3 गुना वजन लेके दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन 3 गुना वजन, सोचो अगर ये 50 किलो का है, इसको 150 किलो दे दें चढ़ जाएगा, वो गिरती है बार बार जब 3 गुना वजन लेके चलती है। लेकिन मजे की बात, वो टारगेट नहीं छोड़ते, वो फिर उसको वजन को नहीं छोड़ती, टारगेट नहीं छोड़ती, फिर कोशिश करती है, फिर गिरती है, फिर कोशिश करती है, फिर गिरती है, पर मजबूती से टारगेट को पकड़े रहती है, बार बार कोशिश करती है, मेहनत करती रहती है और आखिर चढ़ जाती है। ये चींटी की रियलिटी है। जो वो बताता है, एक गोताखोर का एग्जाम्पल देता है, जो समुद्र में जाता है मोती चुगने के लिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गोता लगाता है, ढूंढता है मोती, नहीं मिलते, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, वापस आता है, हार नहीं मानता, दूसरा सिलेंडर लेता, फिर घुस जाता है, फिर ढूंढता, नहीं मिलते, फिर आता है, फिर ले जाता है, लगा रहता, कई बार महीनों महीनों तक उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन हार नहीं मानता, आखिर उसको मोती मिलते हैं। तो कभी ये 2 एग्जांपल देता है, कहता है कि नन्ही चींटी उठाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी लौट के आता है। मिलते नहीं है मोती सहज ही गहरे पानी में, बनता उसका हौसला इसी हैरानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चुनौती ऐसे स्वीकार करो। अगर आपने कभी काम किया है और आप असफल हो गए किसी कारणवश, या आपने टारगेट लेके काम किया अगर आप असफल हो गए, तो इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती, ऐसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान है ये, मत छोड़ इसे भागो तुम, क्यों? क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप सभी लोग आगे बढ़े, कामयाब हो, रॉयल्टी बनाए।